तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जहाँ दोस्तों तीसरे चरण के लिए सबसे ज्यादा कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है, क्योंकि एजेएस जो पार्टी है वो बीजेपी से अलग हो चुकी है। ऐसे में सभी बड़ी पार्टियों के चुनावी प्रचार थमने के बाद तीसरे चरण की 17 सीटों के लिए ताजा आंकड़े यहाँ पर निकल कर आ चुके हैं। इससे पहले 30 नवम्बर को पहले चरण के लिए और दूसरे चरण के लिए 7 दिसंबर को वोटिंग समाप्त हो चुकी है, लेकिन तीसरे चरण के लिए 12 दिसंबर को वोटिंग होनी है। लेकिन इसके लिए बेहद ही चौंकाने वाले यहाँ पर आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एग्जिट पोल जो कर्नाटक की 15 सीटों के लिए दिए गए थे बिल्कुल सटीक यहाँ पर निकले थे, जिनमें से बीजेपी को 12 सीटें जो 15 सीटों में मिली सी हैं, उसमें ये सभी आंकड़े जो है बिल्कुल सटीक आंकड़े यहाँ पर निकले हैं। तो जो भी आंकड़े आपको यहाँ पर दिखाने वाले हैं कहीं ना कहीं हो सकता है कि वो सही हो। तो 2014 के भी आंकड़े अगर आपको दिखा दें तो बीजेपी ने इन 17 सीटों में सबसे बड़ी पार्टी निकली थी और बीजेपी ने 10 सीटें इन 17 सीटों में हासिल की थी। वही एजेएस जो पार्टी है वो काफी बड़ी भूमिका में आ सकती है, एक सीट इनके खाते में 2014 के अंदर गई। वही लोकसभा चुनाव की अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी 14 में से 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी, लेकिन अगर यहाँ पर 6 सीटें अन्य के खाते में गई थी, जिनमें विपक्ष में अगर 2 सीटें कांग्रेस के खाते में तो 3 सीट यहाँ पर जेएमएम और 1 सीट जो है वक्फ के खाते में गई थी इन 17 सीटों के लिए। तो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी थी, लेकिन कुछ यहाँ पर आंकड़े हैं जिनमें कौन कहाँ से चुनाव लड़ रहा है, इसके बाद आपको पूरी तस्वीर यहाँ पर साफ कर देंगे कि इन 17 सीटों में से किसको कितनी सीटें जा सकती हैं। तो तीसरे चरण में ये जो पार्टी है वो यहाँ पर सुदेश महतो इस बार चुनावी मैदान में, उनकी किस्मत का फैसला होने वाला है। और अगर आपको दिखाए तो तीसरे चरण के 17 सीटों में से 13 सीटों पर एजेएस जो पार्टी है वो यहाँ पर चुनावी मैदान में है, और 13 में से 9 सीटों पर यहाँ पर एजेएस जो पार्टी है उनके अध्यक्ष अन्य गद्दावर नेता चुनावी मैदान में है, और 2 सीटों पर उनकी पार्टी के 3-3 बार कब्जा रहा है, जबकि 7 सीटों पर पिछले 5 साल से जीत का परचम फहराने के लिए सुदेश महतो दिन रात एक कर रहे हैं। अगर तीसरे चरण के लिए 17 सीटों पर मतदान होना है, इनमें अगर बात करें तो विधानसभा के तीसरे चरण में वड़का गांव, रामगढ़, मांडू और उसके अलावा कुछ और सीटें हैं जिनमें सबसे ज्यादा 22 सीट इन 17 सीटों की मानी जा रही है सिल्ली। जहाँ दोस्तों आगे आपको इनके पूरे आंकड़े दिखा देंगे। अगर तीसरे चरण के लिए बात करें तो 17 सीटों में से अगर बात करें तो 309 उम्मीदवार इस बार चुनावी मैदान में है, और सबसे ज्यादा इस बार यहाँ पर उम्मीदवारी बढ़ी है। तो बीजेपी ने यहाँ पर नाता तोड़ा है यहाँ पर एजेएस पार्टी से, और एजेएस पार्टी की अगर बात करें तो यहाँ पर हटिया और खिड़जी विधानसभा सीट पर जीत के लिए काफी समय से मशक्कत कर रही है, और खिचड़ी से रामधान बेदिया को उतारा है, और ये माना जाता है कि समाज में अच्छी पकड़ उनकी मानी जाती है। सिमरिया सीट पर मनोज चंदा आसू पार्टी पर यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, और बटकट्टा सीट से आजू से यहाँ पर प्रदीप महतो को चुनावी मैदान में उतारा है। आरसू के दिग्गज और पुराने नेता रोशन लाल चौधरी यहां पर तीसरी बार बड़का गांव से सीट से चुनावी मैदान में है, और आरसू के खिलाफ कांग्रेस ने अंबा प्रसाद मैदान में उतारी है जो पूर्व मंत्री योगेंद्र साहब की बेटी हैं, जबकि बीजेपी ने लोकनाथ प्रसाद को उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है, और यहां पर इलाका कांग्रेस का ये माना जाता है। गोमिया से लंबोदर महतो भी दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, जेएमएम से बबीता देवी, बीजेपी ने लक्ष्मण नायक को उतारा है। अगर रांची से बात करें तो वर्षा गाड़ी ये जो पार्टी है वो उम्मीदवार है चुनावी मैदान में है, हालांकि यहाँ पर पिछले साल में उन्होंने जेएमएम का दामन थाम लिया था, लेकिन इस बार एक बार फिर से उन्होंने घर की वापसी की है और रांची से ताल ठोक रही हैं। ऐसे में उनके खिलाफ बीजेपी ने सीपी सिंह और जेएमएम ने महुआ माझी यहां पर चुनावी मैदान में उतारे हैं। सिल्ली सीट से 3 बार विधायक रह चुके इस जो पार्टी सुदेश महतो चुनावी मैदान में है, और इनके खिलाफ जेएमएम से सीमा महतो को मैदान में उतारा है। हालांकि बीजेपी ने यहां पर कोई भी कैंडिडेट क्यों नहीं उतारा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन 2014 में जेएमएम ने कब्जा जमाया था, जिससे अब सुदेश महतो काफी यहां पर टक्कर देखने को मिलेगी सीट पर। रामगढ़ से 3 बार के लगातार विधायक रहे चंद्र प्रकाश चौधरी सांसद बन चुके हैं, उनकी पत्नी सुनीता चौधरी आसू से चुनावी किस्मत आजमा रही हैं। इनके खिलाफ कांग्रेस ने ममता देवी मैदान में उतारी है, तो वहीं बीजेपी ने रणजय कुमार खुट्टूर बाबू किस्मत आजमा रहे हैं। तो दोस्तों तीसरे चरण के लिए 17 सीटों की आपको जानकारी दी है कि कौन कहां से चुनावी मैदान में है और कौन कहां पहले जीता था, किसको इस बार कड़ी टक्कर मिल सकती है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इससे पहले कई बड़े एक्सपर्ट और कई बड़े न्यूज चैनल का ओपिनियन सामने आ चुका है। अगर बात करें तो बीजेपी इन 17 सीटों में 2014 में सबसे बड़ी पार्टी थी,
और इस बार कितनी सीटें जा सकती हैं। देखिए 10 सीटों के बदले बीजेपी को 6 सीट जा रही हैं, 4 सीट का नुकसान हो रहा है क्योंकि बीजेपी अकेले ही चुनावी मैदान में है। एजुआ से जो पार्टी है उससे बीजेपी का नाता टूट चुका है। अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस महागठबंधन को 7 सीट जा सकती हैं इन 17 सीटों में से। और अगर बात करें तो कांग्रेस यहां पर जेएमएम का गठबंधन है, इनको पहले 5 सीट मिली थी लेकिन 2019 के लिए इनको 7 सीट जा सकती हैं, 2 सीट का इनको फायदा हो रहा है। और जेवीएम के खाते में 3 सीट जा रही हैं और एजीएस पार्टी को 1 सीट पहले भी थी और एक बार एक सीट यहां पर मिल सकती है। तो दोस्तों ये थे वो आंकड़े जो 17 सीटों के लिए निकल कर सामने आ रहे हैं। फिर भी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये फाइनल आंकड़े बिल्कुल नहीं है, फाइनल आंकड़े 23 दिसंबर को देखने को मिलेंगे। लेकिन फिर भी आपको क्या लगता है इन 17 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें जा सकती हैं, तो अपनी राय भी कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं क्योंकि आपकी राय भी काफी महत्वपूर्ण है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए ताकि आने वाली जानकारी का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे।